एकदम ज्यादा सारे लाइक करो और ज्यादा सारे 100 लाइक और सब्सक्राइब करो, ज्यादा सारी घंटियां भी बजा दो। बाय बाय। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ अपने व्यूअर्स को जो हमको देख रहा है। जी आज मैं बना रही हूँ अरबी मैंने काटी है, साथ में थोड़े से आलू भी डाले हैं ताकि आलू जिसको पसंद है वो आलू भी खा ले। ठीक है, अरबी और प्याज अभी तड़की में मैंने टमाटर कर लिया। सबसे पहले मैं अरबी को फ्राई करूँगी, फ्राई करके फिर इसको आज मैं पंजाबी स्टाइल में इसको बना रही हूँ और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब ये जो आलू और अरबी थी इनको मैं दोनों को मिला कर फ्राई करूंगी। जी ये देखिए, अब इनको ना मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी। जी उधर अरबी फ्राई हो रही है और साथ साथ मैं यहाँ पे प्याज काट लेती हूँ। इसमें मसाला ज़्यादा बनता है क्योंकि हमने प्याज ब्राउन करने हैं। ठीक है, आज मैं पंजाबी स्टाइल में बना रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। मसाले की थोड़ा टमाटर प्याज ज़रा ज़्यादा ले लेगा और मैंने अच्छे तरीके से आलू और भिंडी कह रही हूँ अरबी को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, तकरीबन इतना फ्राई करना है कि हाफ डन हो ही जाए। जी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। आपकी सपोर्ट मुझे पता है बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में आबाद रखे और हर तरह की आफत से बचा के रखे मेरे समेत, और बच्चों का कोई दुख दर्द किसी को देखना नसीब ना हो मेरे समेत। जी साथ साथ में अरबी को भी देख रही हूँ, खिला रही हूँ उसको, और कितनी देर में प्याज भी कट जाएगा। और ये टमाटर होगी, हरी मिर्च। ये मैं फ्राई कर रही हूँ अच्छे तरीके से और इसमें आपने सिर्फ नमक और थोड़ी सी हल्दी डालनी है। हल्दी से ग्रेवी का, मसाले का बहुत अच्छा आता है। ये देखें, इतनी सी बस मैं हल्दी डाल रही हूँ ताकि इससे हल्दी का ना बहुत अच्छा आ जाता है।
जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो मैं इसको निकाल लूँगी और इसी ऑयल में फिर मैं प्याज डालूँगी। अरबी ने निकाल दिया तो इसी में ये प्याज डाल दिए। ये देखिए अभी कितनी अच्छी ब्राउन हो गई है। प्याज डाल दिया मैंने इसमें, प्याज को मैं इस तरीके से लाइट ब्राउन करूंगी और इसमें कोई गरम मसाला कोई दूसरे मसाले नहीं डालने, इससे मसाला काला हो जाता है। तो हम जब बिल्कुल ये रेडी हो जाएगी फिर हम गरम मसाला और सूखा धनिया या जीरा वगैरह जो भी डालना होगा वो बाद में डालेंगे। जी प्याज काफी थिक हो गए हैं ना, और अभी मैं अब टमाटर डालें तो इसके साथ ही मैं ये लाल करना है। मसाला अच्छी तरह मैं फ्राई करूंगी और फिर इसमें अरबियां शामिल करूंगी। ये मसाला तैयार हो रहा है। अच्छी तरीके से मैं इस मसाले को भुनाई करूंगी, सही पूरी तरह से भुनाई करने के बाद इसमें डालूंगी। कच्चा मसाला नहीं रखना, अच्छे तरीके से भुना हुआ मसाला हो। थोड़ा सा सिरका जो कि मैं इसमें डाल दूँगी खट्टी खट्टी छिलके। अब मैं थोड़ी देर इसकी बनाई करके भी इसको दम पे लगा दूंगी। जी देखिए ये तैयार हो गया। अब मैं इसमें गरम मसाला और सूखा धनिया डालूंगी। जी अब ये देखिए मैंने डाला थोड़ा सा गरम मसाला और ये है सूखा धनिया। ठीक हो गया जी। मेरे पास इस टाइम गरम मसाला ख़त्म है, गरम मसाला नहीं वो हरा धनिया ख़त्म है, तो नहीं तो मैं आधी गड्डी तो हरे धनिया की लाजमी डाल देती हूँ। जी और ये मैं कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल के अब मैं इसको बस 2 मिनट के लिए ढकूंगी ताकि ये मसाला, और फिर इसको डिश आउट करूँगी। जी ये देखिए मज़ेदार अरवी और आलू रेडी हो गए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं भुने हुए।
अगर आप शुरू में ही गरम मसाला और ये चीज़ें डाल देंगे मसाले में तो मसाला काला हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब तो आप पहले से कर चुके हैं, मुझे बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन लाइक भी कर दिया करें और वीडियो पूरी देख लिया करें। बहुत शुक्रिया आपका मुझे सपोर्ट करने के लिए। जज़ाए खैर, अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत तंदुरुस्ती के साथ आपके दस्तरखान से जारी रखें। आमीन। ओके डियर, अल्लाह हाफिज़। जी हम एंजॉय करने लगे हैं चाय। आज काफ़ी दिनों बाद समोसे मंगाए हैं। अभी तो ये खा लो ना। पक्का पकड़ना। जी बेटा, ये भाई को मसाला देखो। मसाला मिक्स किया हुआ बेटा मैंने, आयजा के लिए निकाल दे रहा, वो मिर्ची नहीं खाएगी। ये तो आराम से अच्छा उधर रखो, मैं आ रही हूँ। ये बड़े दिनों बाद आज हम मिल के बैठ के चाय पी गए, क्योंकि नाप से जल्दी चले जाते थे। आपने क्या खाना है? मामा मेरे समोसा दे दो। समोसा खाना है? मम्मा करो कैमरा। जी मम्मा, ऐसा आपने लाइक किया ना, ऐसा जैसे खाना नहीं का, अरे पार्टी कर रहे हैं। हाँ जी पार्टी कर रहे हैं। एक मम्मा इतना भी बड़ा नहीं, कोई बात नहीं, तोड़ लो जितना आपसे खाया जाएगा उतना खा लो। छोड़ रखो इधर एक में। ये चने डालू? नहीं चने नहीं। अच्छा लगेगा थोड़े से चने। मजे का लगता है समोसा तोड़ते।
रमजान में हम खाते होते थे ना पकौड़े तोड़ के। ये मेरा वाला तो खराब है। क्यों? मम्मा रमजान तो बहुत दिनों बाद गुजर गए। मम्मा रमजान गुजर गए लेकिन ईद क्यों नहीं आई? अभी आ जाएगी। नजर ना लगा रहा हूँ समोसे नहीं लगती आपके समोसे को नजर।